السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्यारे बच्चों, आप आफियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको उससे पहले वीडियो के अंदर अलीफ टू हा तक पढ़ाया था. आज हम आपको अलीफ से हा तक जो पढ़ाया था, तो हा के बाद कौन सा लेटर आता है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं. तो जीम हा पर आज का हमारा लेटर है ख. जीम जो था उसके बीच में डॉट था, हा था वो विदाउट डॉट था, और ख है तो ख के ऊपर डॉट आता है. ये तीनों लेटर सेम पोजीशन के अंदर लिखे जाते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ डॉट का चेंजिंग होता है कि जीम के बीच में, हा विदाउट डॉट और ख के ऊपर डॉट आता है. अगर किसी ने ख लिखते लिखते अगर बीच में डॉट लगा दिया तो वो उसका जीम बन जाएगा, उसका ख नहीं बनेगा, इसलिए उसका लेटर रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी हम देखें तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देख लें कि सब्जेक्ट कौन सा है, अरबी है. टॉपिक हमें क्या लिखना है कि अरबी का अल्फाबेट लिखना है, और हमारा लेसन नंबर जिस दिन जो लेसन आता है वो हमें मार्जिन के अंदर कंपल्सरी राइट करना है. इसलिए कि जब हम आपकी बुक चेक करेंगे तो हमें इधर उधर पेज को घुमाना न पड़े, इजीली हमें भी चेकिंग करने के लिए हो जाए. इससे प्यारे बच्चों, जब भी हम वर्क अरबिक का करें या वीडी का करें तो सबसे पहले जो हम मार्जिन के अंदर हेडिंग लगाते हैं लेसन का, वो आपको कंपल्सरी राइट करना है. इसलिए आज का हमारा लेसन नंबर है 7, टॉपिक है ख, अरबी का अल्फाबेट. और अरबी का अल्फाबेट के अंदर कौन सा लेटर है वो है ख. तो आओ बच्चों, मैं आपको ख लिखकर बताता हूँ. ऑलरेडी आपको हा और जीम लिखकर प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी कि किस तरीके से लिखना है, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सीडब्ल्यू बुक के अंदर उसको अच्छे राइटिंग से लिखा भी होगा. लेकिन आज का हमारा ख है, ख भी आपको सेम उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से आपने जीम और हा लिखा है. यहाँ पर फिर भी मैं आपको कौन सा किस तरीके से लेटर को घुमाने से क्या मिस्टेक होती है, क्या रॉन्ग होता है, मैं फिर से आपको आज भी बताऊंगा. तो आओ बच्चों, मैं लिखता हूँ, आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से मैं अपना ख लिखता हूँ. देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको एक साल नहीं लिख पा रहे हैं, एग्जाम्पल किसी तरीके से आप पूरा ज्वाइन करके ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेना. अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करके आप स्टॉप हो गए, उसके बाद आपको उसको इस तरीके से यहां से आपको उसको ज्वाइन करके इस तरीके से आपको जीम बना देना है, हा बना देना है, हा बना देना है. ये आपको माइंड में रखना है कि ये हमारा जो है वो सीधा आना चाहिए, उसके बाहर ऐसा नहीं निकलना चाहिए. अगर ऐसा बाहर निकल गया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. इससे प्यारे बच्चों, जब भी हम लिखे तो अगर हमसे फूल नहीं लिखा जाता है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, तो आपको सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है. और ये याद रखना है कि ऊपर की लाइन को भी टच नहीं होगा, नीचे की लाइन को भी टच नहीं होगा. आपको जीम के अंदर भी मैंने बता दिया था और हा के अंदर भी बता दिया था, आज हा के अंदर भी मैं बता रहा हूं कि ऊपर की लाइन भी टच नहीं होगी और नीचे की लाइन भी टच नहीं होगी. तो इस तरीके से हम लिखेंगे ख. डॉट्स राइट करना ना भूल, अगर डॉट्स राइट करना भूल गए तो समझो वो लेटर तुम्हारा हा हो जाएगा, और फिर आपके टू लेसन बन जाएंगे. इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी हम लिखे तो जब भी लेटर कंप्लीट करें तो डॉट्स उसी वक्त लगाते, ऐसा नहीं कि हमने पूरा पहले कंप्लीट कर लिया पेज को और उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत मरतबा हम भूल जाते हैं और वो लेटर हमारा रॉन्ग हो जाता है. इसलिए जब भी हमारा लेटर कंप्लीट हो जाए उस वक्त आपको डॉट लगा देना है,
फिर आपका ये ख हा ना बन जाए। इस तरीके से आपको पहले दिन से हम बता रहे हैं कि एक लाइन के अंदर आपको फोर लेटर कंप्लीट करना है। तो मैंने यहां पर पहला लेटर लिखा है, अब मैं यहां पर दूसरा लेटर लिख रहा हूं। अब यहां पर तीसरा लेटर, प्यारे बच्चों अगर यहां पर डॉट्स पर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत सोचना कि यहां तो ये जो डॉट है, ये जो नुक्ता है वो लाइन को टच हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टच हो जाएगा क्योंकि यहां पर प्लेस कम रहती है, तो हो सकता है टच भी हो जाए, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो लेटर है, ये जो शेप है, वो उसके साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर डॉट हो जाएगा तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन ये वाला लेटर, ये वाला शेप इस लाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये होगा हमारे फोर लेटर्स। आपको ऑलरेडी हम पहले दिन से बता रहे हैं कि आपको हर लेटर्स के दो पेज कंप्लीट करने हैं। जिस तरीके से आपने अलिफ से जीम तक दो दो पेज कंप्लीट किए, मींस कि आपने अलिफ के दो पेज कंप्लीट किए, बा के दो पेज कंप्लीट किए, ता के दो पेज कंप्लीट किए, सा के दो पेज कंप्लीट किए, इस तरीके से आपने जीम के भी दो पेज कंप्लीट किए, हा के भी दो पेज कंप्लीट किए, आज आपको खा के भी दो पेज कंप्लीट करना है। इसलिए प्यारे बच्चों जितना हम राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, जितना हम ज्यादा लिखेंगे, हमारी राइटिंग गुड बनेगी, और गुड बनेगी तो फिर जब आप सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जाएंगे तो उस वक्त आपके लिए सेंटेंस लिखना इजी हो जाएगा और आपका राइटिंग भी गुड बनेगा। अगर आपके राइटिंग भी अभी गंदे होंगे तो फिर आप ऊपर जाकर आपकी राइटिंग गंदी होगी और आपको सेंटेंस कैसे लिखना है वो भी आपको पता नहीं चलेगा। इससे प्यारे बच्चों जितनी हमारी राइटिंग कंप्लीट होगी, इतना हमारी बुक भी कंप्लीट होगी, हमारा वर्क भी कंप्लीट होगा। अगर आप इसी गंदी राइटिंग के अंदर पेपर भी लिखेंगे तो आपके पेपर भी गंदे हो जाएंगे, चेकिंग करने के लिए टीचर्स को भी हार्ड लगेगा। इसलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हमें अपनी राइटिंग को अच्छी बनाना है, ताकि हम ऊपर की क्लासों में जब भी जाए तो हमारे लिए कोई भी राइटिंग का प्रॉब्लम ना हो। इसलिए प्यारे बच्चों मैंने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर दी है, आपको भी आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद आपको राइट करना है। हर लेटर्स के लिए आपको मैंने पहले दिन से बता दिया है कि एक एक लाइन छोड़कर ही आपको कंप्लीट करना है, चाहे वीडी का हो चाहे अरबिक का वर्क हो, आपको लाइन छोड़ के ही कंप्लीट करना है। ताओ बच्चों हम दूसरी लाइन के अंदर लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि ये लाइन भी उसके साथ टच ना हो जाए। अगर टच हो जाएगी, एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, यहां पर लिखकर बताता हूं, इस तरीके से आपने कर दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब भी हम लिखें तो हमारा लेटर का ये यहां तक ही आना चाहिए, उसके साथ टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों आपको एक पेज कंप्लीट करना है, जब एक पेज कंप्लीट हो जाए तो आपको दूसरा पेज भी कंप्लीट करना है। जितना आप ध्यान और तवज्जो से लिखेंगे इतना आपके लिए इजी होगा, इतना आपके लिए लिखना भी हार्ड नहीं होगा। और रोजाना का जो वक्त आपके पास आता है उसको रोजाना ही कर लेना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का,
अगर आपने उस वर्क को पेंडिंग में रखा, बाकी रखा, तो दूसरे दिन जो वर्क आएगा तो आपके लिए ये वर्क हार्ड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि कल का भी बाकी रहा, आज का भी लिखना है। इसलिए जो सब्जेक्ट का जो वर्क रोजाना आता है उसको हम रोजाना कंप्लीट कर लें, ताकि दूसरे दिन के लिए जो भी वर्क आए वो हमारे लिए लिखना ईजी हो जाए। प्यारे बच्चों, ये हमारा वन पेज कंप्लीट हो गया। आपको इस तरीके से पूरा पेज कंप्लीट करना है, एक एक लाइन छोड़कर। जब पूरा पेज कंप्लीट हो जाए तो आपको दूसरे पेज के ऊपर भी सेम इसी तरीके से ख लिखना है, यानी आपको दो पेज ख के लिए कंप्लीट करना है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमने पहले भी इंट्रोडक्शन दिया था, पहले भी ये मैसेज दिया था कि जब भी आपकी स्कूल भी ओपन होगी, खुलेगी, उस वक्त आपकी सब बुक से चेक की जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। जब भी स्कूल खुलेगी उस वक्त हम आपकी बुक को चेक करेंगे और उसके ऊपर जितने भी जिसके जितने अच्छे रैंकिंग होंगे उसको हम एक्सीलेंट भी देंगे, स्टार भी देंगे, गुड भी देंगे, वेरी गुड भी देंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, हम सबको ये चाहिए, हमारे दिलों के अंदर ये तमन्ना होनी चाहिए कि हमारे सबके बुक्स के अंदर एक्सीलेंट और 3 स्टार होने चाहिए। ऐसा हम वर्क करें ताकि टीचर्स को स्टार देने के लिए मजबूर होना पड़े, एक्सीलेंट देने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपना वर्क रोजाना का रोजाना कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आज का ये हमारा वर्क कंप्लीट होता है। बच्चों, उसको आपको घर में कंप्लीट कर लेना है। जब PDF आए तो उसको कंप्लीट कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।